हीरानगर पर्सनैलिटी और जम्मू तक देखने वाले दर्शकों का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं। अभी अभी आपने जो सीसीटीवी फुटेज देखी उसमें आपने देखे कि दो लड़के चोरी की मंशा से इसी जगह पे आते हैं और ये पूरी जो वारदात है अटल ब्राह्मणा गांव में हीरानगर तहसील की है और दो लड़के आते हैं चोरी करने की मंशा से। एक बड़ा हाथ मारने की कोशिश में थे लेकिन जब उनको पता चला कि वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुके हैं उसके बाद उन्होंने सीसीटीवी कैमरा तोड़ने की कोशिश की। कैमरामैन से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके विजुअल्स दिखाइए, जैसा कि आप इस पोल पे देख पा रहे हो कि जो यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था जिसको उन्होंने तोड़ने की कोशिश की। तो अभी हम आ गए हैं शॉप के ऑनर के पास। ये हार्डवेयर की दुकान है बहुत और वेल्डिंग वगैरह का भी काम है इनका। बहुत ही बड़ी दुकान है और बहुत ही ज़्यादा सामान रखा हुआ है इन्होंने और इनसे डायरेक्टली बात करते हैं, पूरी डिटेल्स इनसे पूछते हैं। तो सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। नमस्कार रवि जी, मेरा नाम विक्की वर्मा है। तो जी जो चोरी की वारदात हुई है कितनी तारीख, दर्शकों को ये बता दीजिए पूरा टाइम और कैसे हुआ जी सब। ये रात को मंगलवार रात को 1 बजे हुई थी, 27 तारीख की रात को। हाँ जी जी, दो लड़के आए थे। एक तो पीछे खड़ा रहा, एक सामने आया। वो लड़का सामने आया, उसने साइकिल इधर लगी हुई थी हमारी, वो उठा के लेके चला गया। उसके बाद में दोबारा आया लड़के दोनों, उन्होंने सीसी कैमरा हमारा एक बार भी लगा था उसको तोड़ दिया। और ये पूरा मामला है कटल ब्राह्मणा गांव का, हीरानगर तहसील में ये कटल ब्राह्मणा गांव पड़ता है और आसपास घर भी हैं। अगर कैमरामैन को रिक्वेस्ट करूँगा कि थोड़ा पीछे से दिखाइए, देखिए ये दुकान के सामने घर भी है। लेकिन उन दो लड़कों ने इतनी ज़्यादा हिम्मत दिखाई कि उन्होंने चोरी को अंजाम देने की कोशिश की और जब उनको एहसास हुआ कि ऊपर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है और वो सीसीटीवी कैमरे की कैद में आ गए हैं, उन्होंने एक कैमरा तोड़ दिया जो कि हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही इस वीडियो में दिखाया, पोल के ऊपर जो कैमरा लगा हुआ था। बाकी यहाँ पे इनका ये मॉनिटर की स्क्रीन लगी हुई है, यहाँ पे फुटेज वगैरह कैच हो जाती है। लेकिन जो लड़के चोरी करने आए थे उन्होंने शायद सोचा कि अगर वो कैमरा तोड़ देंगे तो फुटेज नहीं मिलेगी। तो आप सब ने तो सीसीटीवी फुटेज देख ली है, अगर आप में से कोई भी इन दोनों लड़कों में से मतलब एक भी लड़के को पहचान पाता है तो नज़दीकी पुलिस स्टेशन में ज़रूर रिपोर्ट करें, क्योंकि चोरी छोटी या बड़ी नहीं होती। वो बड़ी चोरी करने की मंशा से आए थे, जो इनके साथ हुआ वो आपके साथ भी हो सकता है और आपके घर में भी कभी ऐसे चोर चोरी करने के लिए आ सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे भी इतने सारे घर हैं लेकिन तब भी उन्होंने चोरी को अंजाम देने की कोशिश की। इस टाइम तो कोरोना का टाइम चल रहा है, लोग अपने घरों में बंद रहने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन कुछ लोग हैं जो दूसरी दुकानों और दूसरे घरों के ताले तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बस उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। देखते रहिए हीरानगर पर्सनैलिटी और जम्मू तक, फिर से मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।